हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले कुछ दिनों से ना काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि आपने जो ये स्टीरियो लगवाया है ना अपना सोनी का, इसका ना एक डिटेल्ड पूरा कंप्लीट जो भी इसके फीचर्स वगैरह है ना, क्या इसकी क्वालिटी वगैरह है, मतलब कंप्लीट एक डिटेल रिव्यू बना के आप अपने यूट्यूब चैनल पर डालो। वैसे मैंने जो है ना ऑलरेडी दो वीडियोस पे डाली हुई है। पहला तो इसका एक इंस्टॉलेशन का छोटा, इसका एक अनदर वीडियो जो मैंने डाला था वो इसका डाला था, इसका फीडबैक कि मतलब कैसा इसकी क्वालिटी वगैरह है और NFC वगैरह कैसे कंट्रोल होता है, राइट। अब ये जो स्टीरियो है ना, देखो यही क्यों चूज़ किया, देखो उसको चूज़ करने का सिंपल सा एक लॉजिक था। एक तो ये बजट में आ रहा था और ऊपर से मेरे को चाहिए था जेन्युइन प्रोडक्ट, और ये मैंने जो प्रोडक्ट है ये मैंने आपको बताया भी था, ये मैंने डायरेक्ट मारुति के जो जेन्युइन एसेसरीज है वहीं से परचेज़ किया, वहीं से लगाया था। क्योंकि मेरी गाड़ी देखो क्या है ना, CNG गाड़ी है। अब CNG गाड़ी में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ कि बाहर से कोई भी, देखो लोग लगवाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी क्या है कि वे मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी रिस्क लूँ, राइट। तो अभी देखो बात करते हैं इस स्टीरियो की। अभी देखो ये सिंपल सा एक सोनी का सिंगल डिन स्टीरियो है। अब इसके अंदर देखो काफ़ी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जो एक आपका अगर आप डबल डिन लेते हैं, या मतलब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ चीज़ से, अगर आपका एक बेसिक यूज़ है ना, तो बेसिक यूज़ के अंदर अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी चाहिए, आपको ऑडियो रिच एक एक्सपीरियंस चाहिए, वो डेफिनेटली इस स्टीरियो में आपको खतरनाक लेवल वाला मिलेगा। देखो इसमें सिंपल सा एक फंडा है, यहाँ पे अगर शायद आपको विजिबल भी हो पा रहा होगा, इसमें क्या है ना कि 55 वाट के आपके चार स्पीकर जो है ये एक आउटपुट देता है, मतलब 4 आपका जो है फ्रंट के 2 और रियर के 2 ये कनेक्ट कर देगा, और बहुत अच्छी इसमें आउटपुट आती है। अभी मेरी गाड़ी जो है वो आल्टो है, मैंने फ्रंट के 2 स्पीकर लगवा रखे हैं, और वो जो स्पीकर्स हैं वो भी जो मैंने लगाया वो भी सोनी के लगाया, राइट। अभी देखो सिंपल से है मेरे पास, देखो सबसे पहले मैं बात का आपको बताता हूँ इसके अंदर जो इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। यहाँ पे देखो आप ये सिंबल देख रहे होंगे, तो पहला और दूसरा ये जो है ना, इसका मतलब क्या है, मेरा 2 फोन कनेक्ट है। यहाँ पे अगर आप अच्छी तरह से आप देखोगे ना, तो देखो पहला ऊपर तो ब्लूटूथ का साइन आ रहा बन के, जो बीच में आ रहा है ना यहाँ देखो ये म्यूजिक का बन के आ रहा है, और जो नीचे सबसे नीचे बन के जो आ रहा है ये आ रहा है आपका कॉलिंग का। अभी मेरे 2 फोन है, ये 2 फोन पेयरिंग एक साथ कर सकता है। अभी देखो ये जो मेरा फोन है, ये मेरा फोन जो कनेक्ट है वो कॉलिंग के लिए है जो सबसे नीचे है, राइट। और ये जो मेरा दूसरा फोन है ये मेरा है म्यूजिक के लिए, मतलब आप ऐसे आप कोई भी ऐसा पेयर कर सकते हो, जरूरी नहीं कोई से भी करना है आपको, मतलब कहने का मतलब क्या होगा, एक तो आप मतलब ऑडियो एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आपको लेना वो करो, दूसरा आपका कॉलिंग के लिए डेडिकेटेड जिसको आपका प्राइमरी या सेकेंडरी जो बनाना है वो आप इसको पेयरिंग करके कर सकते हो। अब इसमें डायरेक्ट यहाँ पे देखो फीचर है, यहाँ पे मैं करूँगा तो फोन बुक ये ऑप्शन बन के आ गया, राइट, रीडायल का ऑप्शन आ गया, रिसेंट कॉल जो है वो आ गया, तो वॉइस डायल आ गया, तो ये सब चीज़ों से ना आप अपने फोन को यहीं से इससे स्टीरियो से ही आप ऑपरेट कर सकते हो। सपोज करो आपका फोन कनेक्टेड है ब्लूटूथ से, और इस मेरे फोन पे क्या था कॉल आती है, तो मेरे को यहां से उठाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से सीधा कॉल को एक्सेप्ट कर सकता हूं और अपना बात कर सकता हूं। अब देखो कितना सिंपल हो गया, पहले क्या होता था स्टीरियो में आपको ब्लूटूथ वगैरह वो जो किट आती थी अलग से छोटा सा डिवाइस वो लगा के आपको पेयरिंग करना पड़ता था, बट सब कुछ इसके अंदर ही है। अगर आपको ऑडियो सुनना है, ऑडियो के लिए आपका दूसरा फोन है, दूसरे फोन से आप अपना ब्लूटूथ से जो भी आपका कोई सी भी जो ऐप आप यूज करते हैं गाने के लिए वो आप यूज करो, अपना गाना आराम से लगा के चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फिर ये ऑक्स का फंक्शन भी है, राइट, और फिर देखो ये ऑक्स का हो गया, और ये हो गया आपका, यहाँ पे देखो ये हो गया आपका USB, इसका क्या कहते हैं पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन। पेन ड्राइव भी मैंने रखी हुई है, अगर आपको कुछ मतलब कुछ गाने डाल के रखने हैं इसमें MP3 फॉर्मेट के अंदर, तो यहाँ पे सिंपल इसमें क्या करो, ये अपनी जो पेन ड्राइव है यहाँ पे आप इसको अपना, ये सिंपल आपकी क्या है पेन ड्राइव यहाँ पे इंसर्ट होगी। अब देखो इसने डायरेक्टली लगाते ही डिटेक्ट कर लिया, देखो USB, यहाँ से आप क्या है अपनी वॉल्यूम्स को कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आपको इसके अंदर फीचर्स में जाना है तो इसको एक बार प्रेस करो तो देखो यहाँ पे साउंड का ऑप्शन आ गया, अगर आपको साउंड चेंज करनी है, अगर आपको डिस्प्ले के ऑप्शन में जाना है तो आप ये यहाँ पे डिस्प्ले के बटन पे भी आप दबा सकते हो, ये देखो। अगर आपको इसका ब्लूटूथ पे पेयरिंग में जाना है तो ब्लूटूथ का फीचर्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। अगर आपको इसका एक देखो सोनी ऐप करके भी इसमें आती है, तो वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में कर सकते हो, और वहाँ से जो आपकी ऐप है
ऐप के थ्रू आप अपने स्टीरियो को भी कंट्रोल कर सकते हो, तो ये भी इसका बहुत अच्छा फीचर है। और ये इसका जनरल आ गया, राइट। अब देखो मान लो जनरल के अंदर मैं जाता हूँ तो सेट बीप की, अब मान लो अगर आप एवरी टाइम क्लिक कर रहे हो ना तो बीप की आवाज़ आनी आपको सुननी है या नहीं सुननी है, तो वो ऑफ या ऑन करके भी कर सकते हो। यूएसबी मोड, डेमो मोड, क्लॉक, आपकी जो क्लॉक है वो आप इसको सेट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। फिर अगर बैक जाना है तो बैक जाने के लिए ये रहा बटन है आपका। फिर आप चलते हैं अपने साउंड के ऑप्शन में। साउंड के ऑप्शन में देखो ये इक्वलाइजर है, इक्वलाइजर के अंदर यहाँ पे देखो ऑफ कर रखा है मैंने, तो आप इसको सेट कर सकते हो, चाहे बॉलीवुड है, R&B है, रॉक है, पॉप है, हिप हॉप है, EDM है। अब नेक्स्ट जाते हैं, मान लो आपको अगर कस्टम करना है अपनी तरह से कुछ बीट्स आपको इसमें तैयार करनी है अपने हिसाब से, तो आप वो भी कर सकते हो, राइट। फिर बैलेंस भी कर सकते हो लेफ्ट राइट का, वो भी आप बैलेंस वगैरह कर सकते हो। तो इसमें देखो काफ़ी सारे हैं, सब वूफर की भी आप इसमें कर सकते हो, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं आपका डिस्प्ले में। अब डिस्प्ले में क्या है कि आपका ऑटो सिंक्रोनाइजेशन, मतलब अगर आपका म्यूज़िक बज रहा है ना तो म्यूज़िक की जो बीट्स होती हैं, बीट्स के हिसाब से ये आप जो इल्यूमिनेशन लाइट्स देख रहे हो ना, ये इल्यूमिनेशन लाइट्स क्या होगा उसके हिसाब से सिंक्रोनाइज हो जाएगी, और बीट्स के हिसाब से ये बीट आपका मतलब ग्लो करेगा और आपका डाउन होगा, राइट। फिर आपका आ गया ये देखो, ये डिमर है, मान लो आपको क्या कहते हैं कि डिम कितनी रखनी है इसकी जो इल्यूमिनेशन लाइट है। फिर ये ब्राइटनेस है, अभी ब्राइटनेस क्या है इसकी मैक्सिमम 10 लेवल तक जाती है। देखो मैं अगर आपको बताऊँ ना तो अगर आप इसको 8 या 9 10 तक भी करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो इस लेवल में आपको बिल्कुल सही लग रही होगी। लेकिन जब अगर आप आपको लग रहा है ये ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसको कम करोगे ना, बट मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप वगैरह, ब्राइट संडे होता है ना, तो ये जो आपका डिस्प्ले होता है ना ये इतना विजिबल नहीं हो पाता, राइट। तो अभी तो मैंने आपको दिखाने के लिए 10 पे किया है, वैसे मैंने इसको 6 पे मैंने सेट किया हुआ था, राइट। फिर आपका नेक्स्ट चलते हैं ब्लूटूथ। अब यहाँ पे आपको अगर कोई फ़ोन पेयरिंग करना है, आप शुरू स्टार्टिंग में जब पेयरिंग करोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेट पेयरिंग के ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप अपना जो नया फ़ोन है वो पेयर कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आपका क्या है कि सेट रिंगटोन भी आप सेट कर सकते हो अपने फ़ोन के हिसाब से कि भाई आपका कौन सा फ़ोन आपका जो है वो कौन सी रिंग आ रही है, राइट। देखो जैसे यहाँ पे ये आपकी अलग अलग जो है ना ये आपकी टोन्स वगैरह यहाँ पे दे रखी है, राइट। तो इसमें बहुत सारे, आप देखो सेट ऑटो आंसर करना है तो वो सेट कर सकते हो आप इसके अंदर। देखो इस स्टीरियो में ना एक सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को क्या लगता है कि इसके अंदर आपका NFC फीचर है। NFC में क्या है, आपके फ़ोन का जो बैक है आपको इस पे सिंपली यहाँ पे टच करना है, ये देखो जो लोगो बना हुआ है NFC का, यहाँ पे टच करूँगा, देखो टच करते ही यहाँ पे लिख के आया कनेक्टिंग, तो इसका मतलब ये फ़ोन मेरा कनेक्ट हो गया और यहाँ पे आपका जो है डिस्प्ले पे आ जाएगा, राइट। अभी देखो मैं आपको एक इसमें क्या है म्यूजिक मैं आपको बजा के दिखाता हूँ कि कैसे इसमें इसकी ऑडियो क्वालिटी अभी कैसी है, राइट। तो ये ऑडियो एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने अपने इस फोन से, ये देखो ये जो है ना ये NFC के थ्रू मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके लगाया था आपके लिए। अब आप इसकी क्वालिटी सुनो ऑडियो की। एक चीज मैं आपको बताना इसमें और बता देता हूँ कि इसमें ना देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेस का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आप करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 मोड इसके अंदर बेस के दिए हुए हैं। यहाँ पे करोगे तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, राइट। ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल करने का हो गया। अब आप इसकी जो है ना ऑडियो आप सुनो, अभी देखो मैं बेस को एक बार ऑन करूंगा, इसको मैं करूंगा 1 पे, अब शायद मैं भी थोड़ा आपको इफेक्ट आ रहा होगा। साउंड चेंज करूंगा इसमें, फील करो।
कितना बेस इफेक्ट बढ़ चुका है, मैंने इसको हिप हॉप पे किया, बेस इसकी 1 पे है। अभी आप देखना, मैं इसकी बेस को 2 पे मैं ऑन करूंगा, तब आप इसमें थोड़ा और इफेक्ट देखना। आवाज 30 तक बिल्कुल नहीं फटी, आपके सामने है बिल्कुल। तो भाई देखो, 30 तक मैंने इसकी आवाज कर दी, इवन हिप हॉप पे भी इसको मैंने किया और एक्स्ट्रा बेस 2 पे भी किया, तब भी क्या है कि इसकी आवाज नहीं फटी। हाँ, इसमें आपको ना इसकी आवाज में प्रॉब्लम में भी तब आपको फील हो सकती है अगर आप एक हाई बेस बूस्टेड सॉन्ग सुन रहे हैं और ऊपर से कुछ अगर पंजाबी सॉन्ग भी सुन रहे हैं ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसकी बेस को ऑफ या 1 पे करके रखो, और ये जो इसमें यहाँ पे जो साउंड दिया हुआ है ना, इस साउंड को आप क्या करो, इसको कर लो ऑफ, फिर आप देखना कि कितनी जबरदस्त इसके अंदर जो है ना वो आवाज आएगी। राइट, तो भाई इसका एक तो ये ऑडियो क्वालिटी एक्सपीरियंस हो गया, बाकी आपका देखो कि आप अपने हिसाब से ना इसको जो इसके मल्टीपल मोड्स हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हो। बट देखो, मेरे हिसाब से क्या है ना, मेरे हिसाब से ये जो एक स्टीरियो है ना, ये एक तो आपका बजट फ्रेंडली है, दूसरा आपका चीप एंड बेस्ट आपको क्वालिटी देगा, ऑडियो में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आपको एक रिच ऑडियो एक्सपीरियंस लेना है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप, क्योंकि मैंने इसका ना पाइनियर के साथ कंपैरिजन किया था, वहां पे एक्चुअली क्या था कि जहाँ शोरूम पे गाड़ी भी खड़ी थी ना, पाइनियर का ही सिस्टम था, पाइनियर के स्पीकर उन्होंने कनेक्ट करके लगा रखे थे। मैं आपको लिटरली बताऊँ, मेरे को सुनने में मतलब वो मजा नहीं आया जो मेरे को सोनी के अंदर आया। अब सोनी के अंदर जब मैंने सुना ना, मतलब अलग ही लेवल का स्वाद है। मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट है और आपको सिंगल दिन में ही जाना है, तो ये आपका एक बेस्ट चॉइस आपके लिए हो सकता है। बाकी देखो क्या है, अगर आप शोरूम पे जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, एक बार जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो आप दूसरा ब्रांड कंपेरिजन कर रहे हो ना, उसको जरूर सुनो। मे भी शायद मेरे को इसकी आवाज अच्छी लगती है। देखो, हर एक का जो ऑडियो टेस्ट होता है ना, लिसनिंग जो टेस्ट होता है, वो सबका अलग होता है। राइट, मे भी जो मेरे को चीज पसंद आ रही है शायद आपको पसंद ना आए, जो मुझे आपको जो पसंद है वो शायद मेरे को समझ ना आए कुछ चीजें। राइट, तो आपको एक और एक चीज ऐड कर देता हूं कि इसके अंदर क्या है ना, हमारा जो है यहाँ पे ट्यूनर भी है। देखो, ट्यूनर में क्या है, आपका FM रेडियो, अगर आपका एंटीना वगैरह सब कनेक्टेड है ना, तो आप आराम से इसके अंदर FM का भी आप लुफ्त उठा सकते हो, और ऑडियो क्वालिटी जो है वो भी इसकी जबरदस्त है। बट मेरे में अभी क्या है, FM नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे में क्या है ना कि इसमें एंटीना इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। एंटीना इंस्टॉल कराने के बाद ये आपका जो ऑडियो क्वालिटी है, ये आपका जो FM है, ये आपका चालू होगा। राइट, तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।